हाँ जी, तो साहब आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पांच ऐसे स्मार्टफोन जो आपको मिलते हैं 10,000 से 12,000 रुपए वाले प्राइस सेगमेंट में। एंड अगर आपका भी बजट इतना ही है भाई, 10,000 से 12,000 रुपए के आसपास है, दिसंबर 2021 के महीने में आप अपने लिए एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो ये वाला जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखना, डेफिनेटली आप डिसाइड कर पाओगे कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन सही रहने वाला है। क्योंकि ये जो प्राइस सेगमेंट है, इस प्राइस सेगमेंट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, एंड जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा भाई। आपको पता है 5, 4, 3, 2, 1 की गिनती अपन करते नहीं है, पांच स्मार्टफोन बताऊंगा, पांचों स्मार्टफोन टॉप स्मार्टफोन है। डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपके लिए पांचों में से कौन सा स्मार्टफोन सही है। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हो, लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई वीडियो को, और हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे नॉन चाइनीज ऑप्शन के साथ में। यहां पर मैंने एक बार फिर से पिक किया है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 को, और ये जो स्मार्टफोन है पिछले एक साल से इस लिस्ट में जगह बना रहा है, क्योंकि माइक्रोमैक्स सोया हुआ है भाई। पता नहीं क्यों माइक्रोमैक्स नया स्मार्टफोन लॉन्च नहीं कर रहा है, एक बार फिर से मुझे पिक करना पड़ा इन नोट 1 को। वैसे फोन सही है लेकिन पुराना फोन है, प्लास्टिक बिल्ड पर आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है, 6.67 इंच का डिस्प्ले है, फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन, आईपीएस एलसीडी पैनल के साथ में आता है, सेंटर पंचोल वाला डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो हीलियो G85 का चिपसेट मिलता है, G85 जो चिपसेट है डे टू डे की परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी देता है, गेमिंग भी आपको अच्छी करा देता है, तो परफॉर्मेंस के सेगमेंट में आपको ज्यादा शिकायत आने नहीं वाली है। कैमरास की अगर बात करें तो 4 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ है, 48+5+2+2 मेगापिक्सल्स के 4 कैमरास पीछे की तरफ है, एंड फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा दिया गया है। कैमरा मॉड्यूल एंड कैमरा आउटपुट अच्छे हैं भाई, कैमरा में भी आपको शिकायत नहीं आएगी। बैटरी की अगर बात करें तो 5000mAh की बैटरी दी गई है, 18 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, 18 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर आपको मिलता है, चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला बोर्ड मिलता है, 3.5mm जैक भी दिया गया है, एंड रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, एंड 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 10,999 रुपीज में, 11,000 के आसपास। तो नॉन चाइनीज फोन अगर आपको लेना है, बजट आपका 10 से 12,000 के आसपास है, तो और कोई ऑप्शन आपके पास में है नहीं भाई, माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। आगे चलते भाई, बात करते हैं गेमर्स के बारे में। अगर आपको अच्छी गेमिंग करनी है तो इन्फिनिक्स हॉट 11S की तरफ आप देख सकते हैं, रिसेंटली लॉन्च हुआ है, प्लास्टिक बिल्ड पर आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है, डिनोरेक्स वाले ग्लास के प्रोटेक्शन है, 6.78 इंचेस का डिस्प्ले है, फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन है, आईपीएस एलसीडी पैनल है सेंटर पंचोल के साथ में, एंड 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है, जो कि गेमिंग में काफी हैंडी साबित होगा। सो यस, डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर बढ़िया है। परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक हीलियो G88 चिपसेट दिया गया है, जो कि कैपेबल चिपसेट है, डे टू डे की परफॉर्मेंस तो अच्छी देता ही देता है, आपको गेमिंग भी अच्छी करा देता है, सो परफॉर्मेंस में कोई शिकायत नहीं आएगी। कैमरास की बात करें तो 3 कैमरास हैं पीछे की तरफ, 50+2+2 मेगापिक्सल्स के 3 कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं, एंड फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा दिया गया है। ओवरऑल कैमरा मॉड्यूल डिसेंट है, कैमरा मॉड्यूल में शिकायत आपको नहीं आने वाली है। 5000mAh की बैटरी दी गई है, 18 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, 18 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट है, 3.5mm जैक भी दिया गया है, एंड रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलता है, एंड 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 10,999 रुपीस में। तो सही साठ अगर आपको गेमिंग करनी है, 12,000 के आसपास अगर आपका बजट है, तो इन्फिनिक्स हॉट 11S की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। आगे चलते भाई, बात करते हैं स्टॉक एंड्रॉइड लवर्स के बारे में। ऐसे लोग जिनको ब्लोटवेयर्स पसंद नहीं है, एड्स पसंद नहीं है, यूआई पसंद नहीं है भाई, जिनको स्टॉक एंड्रॉइड लेना है, थोड़ा सा पैसा आपको ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन फोन आपको अच्छा मिल जाएगा। फोन का नाम है मोटोरोला G31, रिसेंटली लॉन्च हुआ है, प्लास्टिक बिल्ड पर आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है, 6.47 इंचेस का डिस्प्ले है, फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन है, एंड सुपर एमोलेड पैनल यहां पर आपको दिया गया है। जी हाँ, सुपर एमोलेड पैनल मिलता है, डिस्प्ले क्वालिटी सही साठ है, हालांकि 60 हर्ट्ज का नॉर्मल रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन डिस्प्ले पैनल इस फोन के अंदर आपको काफी अच्छा मिल जाता है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो हीलियो G85 का चिपसेट दिया गया है, G85 का जो चिपसेट है डे टू डे की परफॉर्मेंस आपको बढ़िया दे देता है, गेमिंग भी आपको अच्छी करा देगा, तो परफॉर्मेंस के सेगमेंट में कोई शिकायत आपको नहीं आएगी। कैमरास की अगर बात करें तो 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ है, 50+8+2 मेगापिक्सल्स के 3 कैमरास आपको पीछे की तरफ दिए गए हैं, एंड फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा दिया गया है। सो कैमरा मॉड्यूल एंड कैमरा आउटपुट दोनों इस फोन के काफी अच्छे हैं, कैमरा के सेगमेंट में भी आपको शिकायत नहीं आएगी। 5000mAh की बैटरी दी गई है,
20 वॉट के टर्बो चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। 20 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर दिया गया है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट है, 3.5 mm जैक भी दिया गया है एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है एंड 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 12,999 में, तो 1,000 रुपए महंगा है। लेकिन 16 तारीख से फ्लिपकार्ट की सेल शुरू हो रही है, उसमें ये स्मार्टफोन आपको डिस्काउंट पर मिल सकता है। तो अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाला फोन लेना है 12,000 के आसपास अगर आपका बजट है, मोटोरोला G31 की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। चलो भाई आगे चलते हैं, बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनको बड़ी सारी बैटरी चाहिए अपने फोन के अंदर या बड़ा सारा डिस्प्ले चाहिए, वो लोग जा सकते हैं टेक्नो की तरफ से आने वाले टेक्नो पोवा 2 की तरफ। ये वाला जो फोन है बहुत अंडररेटेड फोन है, लेकिन फोन डिसेंट है भाई। प्लास्टिक बिल्ड पर आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है एंड 6.9 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले है, सेंटर पंचोल के साथ में आता है। फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन यहां पर आपको मिलता है। IPS LCD पैनल दिया गया है जो कि 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, लेकिन 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट यहां पर आपको मिलता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी इसके अंदर अच्छी है, बड़ा डिस्प्ले है, क्वालिटी डिस्प्ले की यहां पर आपको अच्छी मिल जाती है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो MediaTek Helio G85 चिपसेट यहां पर भी दिया गया है एंड G85 चिपसेट एक बार फिर से मैं बोलूंगा डे टू डे की परफॉर्मेंस भी अच्छी देता है, गेमिंग भी आपको अच्छी करा देता है, सो परफॉर्मेंस में शिकायत नहीं आने वाली है। कैमरास की अगर बात करें तो 4 कैमरास पीछे की तरफ है, लेकिन काम का एक ही है भाई, 48+2+2+AI, 4 कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं एंड फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। कैमरा मॉड्यूल डिसेंट है, कैमरा में भी आपको ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली है। बैटरी की बात करते हैं, बैटरी नहीं है भाई, बैटरा भी नहीं है, यहां पर बड़ा सारा बैटरा है 7000mAh का। जी हां, 7000mAh का बैटरा यहां पर आपको दिया गया है। 18 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। 18 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट है, 3.5mm जैक मिलता है एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है एंड 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 11,999 रुपीस में, 12,000 के आसपास। तो बड़े डिस्प्ले वाला फोन अगर आपको लेना है या बड़ी बैटरी वाला फोन अगर आपको लेना है तो टेक्नो पोवा 2 की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। एंड हमेशा की तरह लास्ट में बात करते हैं एक अल्टीमेट ऑलराउंडर फोन के बारे में, और 12,000 के सेगमेंट में अल्टीमेट ऑलराउंडर फोन ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है भाई, लेकिन मेरी जो ये मुश्किल थी ये इन्फिनिक्स ने आसान कर दी है, क्योंकि इन्फिनिक्स ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है इन्फिनिक्स नोट 11। और ये जो स्मार्टफोन है सॉलिड स्मार्टफोन है और सॉलिड प्राइस पॉइंट पर आया है। फोन के बारे में अगर बात करें तो प्लास्टिक बिल्ड पर आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको डिनोरेक्स ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। 6.7 इंचेस का डिस्प्ले है, फुल HD प्लस के रिजोल्यूशन के साथ में आता है। एमोलेड पैनल यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में आता है। फोन काफी अच्छा है, डिस्प्ले काफी सही दिया गया है, हालांकि 60Hz का नॉर्मल रिफ्रेश रेट है लेकिन 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है और डिस्प्ले क्वालिटी काफी सही यहां पर आपको मिलती है। एंड परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो Helio G88 का चिपसेट यहां पर दिया गया है। G88 जो चिपसेट है कैपेबल है, डे टू डे की परफॉर्मेंस अच्छी देता है, गेमिंग भी आपको काफी अच्छी करा देता है, तो परफॉर्मेंस में आपको शिकायत नहीं आएगी। कैमरास की अगर बात करें तो 3 कैमरास के सेटअप पीछे की तरफ है, 50+2+2 मेगापिक्सल्स के 3 कैमरास यहां पर आपको पीछे की तरफ दिए गए हैं एंड फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो कैमरा मॉड्यूल सही है भाई इस फोन का एंड अभी तक जो कैमरा आउटपुट मैंने देखे हैं वो भी काफी डिसेंट लगे हैं। सो यस, कैमरा मॉड्यूल में आपको शिकायत नहीं आने वाली है। बैटरी की अगर बात करें तो 5000mAh की बैटरी दी गई है, बैटरी का साइज अच्छा है। सबसे अच्छी बात है कि 33 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। 33 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट दिया गया है, 3.5mm जैक मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यहां पर आपको मिलता है एंड 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है मात्र 11,999 रुपीस में। तो अल्टीमेट ऑलराउंडर फोन अगर आपको लेना है 12,000 के आसपास अगर आपका बजट है, इन्फिनिक्स नोट 11 की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। तो भाई ये थे 5 ऐसे स्मार्टफोन जो आपको मिलते हैं 10,000 से 12,000 रुपए प्राइस ब्रैकेट में एंड दिसंबर 2021 के महीने में आपकी जरूरतों के हिसाब से आपके लिए सही 60 ऑप्शन हो सकते हैं। आप मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना भाई कि आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या होती है एंड इन पांचों में से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना आप पसंद करेंगे या किसी और स्मार्टफोन की तरफ देखना पसंद करेंगे। बाय द वे एक राय मैं आपको दे देता हूं, फ्लिपकार्ट की सेल शुरू होने वाली है तो अगर आपका प्लान है दिसंबर के महीने में फोन खरीदने का तो फ्लिपकार्ट की सेल में खरीद लेना, वहां पर आपको अच्छे खासे डिस्काउंट मिलने वाले हैं। हालांकि चैनल पर आपको वीडियो मिल ही जाएगा डील्स एंड डिस्काउंट्स के बारे में, लेकिन सजेशन मेरा यही रहेगा कि फ्लिपकार्ट की सेल में आप परचेस करें। कमेंट करके अपनी राय जरूर से बताना, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।